वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज फैशन बाय पैशन विद अनुराधा सिंह। सो आज मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो के लिए मैंने एक टॉप परचेज किया है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से भी परचेज किया है एंड ऑल्सो फ्रॉम मिंत्रा। तो आज की वीडियो में हम दोनों में ही कंपेरिजन करने वाले हैं कि मिंत्रा से या फिर फ्लिपकार्ट से दोनों में से कहाँ से मुझे वो टॉप अच्छी क्वालिटी में एंड ऑल्सो कम प्राइस में रिसीव हुआ है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज माय फर्स्ट पैकेट जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है एंड दिस इज फ्रॉम मिंत्रा। तो सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट का पैकेट ओपन करने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी ओपन करते हैं। मैं सीजर का यूज नहीं करती, मैं फटाफट से जस्ट हाथ से ही इसको अनपैकेज कर लेती हूँ। तो दिस इज द टॉप, ये है फ्लोरल प्रिंट में। हियर इज दिस टॉप, ये इसमें ऐसे कुछ ऐसा प्रिंट मिलेगा जो इस टाइप का नेक का स्टाइल है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था इसलिए मैंने इसको ट्राई करने की सोची। तो इसमें ये कुछ ऐसे सम ग्रीन पिंक ऐसे प्रिंट में फ्लोरल प्रिंट मिलेगा, नेक का स्टाइल कुछ ऐसा आएगा। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड ऑल्सो जो इसमें रफल स्लीव्स दी हुई हैं तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लग रही है। एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड चिंपैंजी एंड इसका जो साइज मैंने परचेज किया दैट इज स्मॉल। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको मैं ट्राई करके भी आपको दिखाऊंगी। अब मैं ये मिंत्रा वाला पैकेट ओपन करती हूँ और मुझे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा सेम क्वालिटी के हैं, तो कहीं दोनों में कुछ इधर उधर पैकेजिंग में ना हो जाए। तो देखने में तो लुक वाइज तो दोनों ही बहुत सिमिलर लग रहे हैं, बट एक बार खोल के देखते हैं। ये मिंत्रा वाला टॉप है जो कि फैब्रिक की क्वालिटी इज सेम, फैब्रिक की क्वालिटी दोनों सेम है। ये फ्लिपकार्ट का है, ये मिंत्रा का है, दोनों में मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा। अगर आप देख सकते हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा दोनों में। एंड इसका जो साइज मैंने परचेज किया है दैट इज ऑल्सो स्मॉल एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ब्रांड चिंपैंजी। तो दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ इनके प्राइस का जो कि मुझे मिंत्रा से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट पड़ी है इसकी, और फ्लिपकार्ट से मुझे अराउंड 299 रुपीस का मिला था। मिंत्रा का प्राइस मुझे ध्यान नहीं, साइड में मेंशन कर दूंगी इसका प्राइस भी। तो आई थिंक अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कीजिएगा क्योंकि इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पे मुझे बहुत ही कम मिला है एंड दिस विल लुक वेरी वेरी नाइस ऑन मी। And yes, that's it for today's video. And I really hope कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप टॉप परचेज करना चाहते हैं तो मैं दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।